जी बेटा, कल मैंने आपको मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ाई थी। अल्लाहुम्मा फ़तहली अबवाब रहमतिक, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आज हम मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ेंगे। ये बॉयज़ के लिए है, ये दुआ बॉयज़ के लिए है। मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। बेटा, इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह, हम तुझसे तेरा फजल और तेरी रहमत मांगते हैं। तो हमें अल्लाह का फजल और रहमत वैसे भी मांगनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद से निकलें तो ये दुआ पढ़ें, हम नमाज के बाद भी अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कर सकते हैं। जी बेटा, आज के लिए इतना ही। आपने ये दुआ ज़ुबानी याद करनी है और मस्जिद में जब भी दाखिल होना है, निकलना है, ये दुआ पढ़नी है, और नमाज के बाद भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। मेरे साथ दुआ के लिए हैंड रेस करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा हफ़िली व रहमनी व अहदनी व आफ़िनी व रज़क़नी। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा, मुझे हदायत दे, मुझे आफियत दे। एला मेरे स्कूल अमेरिकन इस्लामिक स्कूल को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।